नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कुंडली मिलाप के अंदर गुण मिलान करने के बाद और कौन से 7 पॉइंट है जिसका सूक्ष्म अध्ययन करना एक ज्योतिषकार के लिए बहुत बहुत आवश्यक होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली मिलाप करना यह बहुत ही कॉम्प्लिकेशन वाला काम है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कंप्यूटर में या मोबाइल में देख लिया कि लड़का लड़की का 28, 32 या 34 गुण आ रहे हैं, कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, तो ये गलत फहमी है। एक ज्योतिषकार के नजरिए से देखो तो कुंडली मिलाप के अंदर गुण मैत्री को 100 में से सिर्फ 25% दिए गए हैं और बाकी का जो 75% है वो ज्योतिषकार कुंडलियों के अंदर जाके डीप स्टडी करता है कि कुंडली कैसी मिल रही है और वो कौन से 7 पॉइंट है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा। तो मैं आपको टोटल 8 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट गुण मिलान और बाकी के 7 पॉइंट जो कुंडली के अंदर जाके देखे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है गुण मिलान। गुण मिलान के अंदर देखा जाता है कि अष्टकुट मैत्री हो रही है कि नहीं। अष्टकुट मैत्री यानी 8 प्रकार की मैत्रियां जिसके नाम है वर्ण मैत्री, वैश्य मैत्री, तारा मैत्री, योनि मैत्री, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकुट मैत्री और नाड़ी मैत्री। ये 8 प्रकार की मैत्रियों का स्टडी करके हमें पता चलता है कि लड़का लड़की को 36 में से कितने गुण प्राप्त होते हैं और जितने ज्यादा अच्छे गुण प्राप्त हो कुंडली उतनी अच्छी मैचिंग मानी जाती है। ये स्टेप हो जाने के बाद हम और गहन में जाते हैं कुंडलियों के अंदर। तो आइए देखते हैं दूसरे स्टेप में हम लोग अंदर उतरते हैं तो देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली के अंदर मंगल दोष है या नहीं है। अगर दोनों मांगलिक है तो यह बहुत अच्छी बात मानी जाती है और कुंडली मिलाप के अंदर और एक प्लस पॉइंट जुड़ जाता है। और अगर मान लो दो में से एक को मंगल है और दूसरे को नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष नहीं है उसकी कुंडली के अंदर हम देखते हैं कि पहले, चौथे, सातवें, आठवें और बारहवें भाव के अंदर अगर सूर्य बैठा हो या शनि बैठा हो या राहु बैठा हो, ऐसा कोई भी ग्रह बैठा हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है और शादी के लिए आगे बढ़ने को कहा जाता है। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो तीसरे स्टेप में देखा जाता है कि लड़का और लड़की दोनों के लग्नाधिपति मित्र है या शत्रु है। अगर दोनों के लग्नाधिपति मित्र है तो कुंडली मिलाप के अंदर और एक शुभ पॉइंट जुड़ जाता है। और अगर मान लो दोनों के लग्नाधिपति शत्रु है तो कुंडली मिलाप के अंदर एक अशुभ पॉइंट आ जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि मान लो लड़के का लग्नाधिपति है मंगल और लड़की का लग्नाधिपति है गुरु, तो मंगल और गुरु एक दूसरे के परम मित्र है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट माना जाएगा। ठीक इसके अपोजिट जाते हैं कि लड़के का लग्नाधिपति है मंगल और लड़की का लग्नाधिपति शनि आ जाए तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। ठीक वैसा ही दूसरा एग्जांपल देता हूं कि लड़के का लग्नाधिपति मंगल और लड़की का लग्नाधिपति बुध हो तो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं पड़ती तो ये एक कमजोर पॉइंट माना जाता है। उसके बाद हम चौथे स्टेप में आते हैं कि हम लोग देखते हैं कि लड़के की जन्म कुंडली के अंदर पत्नी सुख का कारक ग्रह शुक्र कौन सी स्थिति में बैठा है। अगर शुक्र कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर यही शुक्र नीच राशि में निर्बल होकर छठवें, आठवें, बारहवें भाव में पीड़ित होता हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो यह अच्छा नहीं माना जाता। ठीक उसी प्रकार लड़की की कुंडली के अंदर देखा जाता है कि लड़की का पति सुख का कारक ग्रह कौन है, तो गुरु है। अगर गुरु कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर यही गुरु नीच राशि में निर्बल हो, छठवें, आठवें, बारहवें भाव में पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। इस बात की हमें स्टडी करनी होती है। उसके बाद हम पांचवें स्टेप में जाते हैं कि लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली और दोनों की नवमांश कुंडली के अंदर उनको वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त हो रहा है वो देखा जाता है।
फिर से मैं आपको डीप में समझाने की कोशिश करूंगा कि लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली के अंदर और नवमांश कुंडली के अंदर सातवें स्थान की गहन स्टडी की जाती है, डीप स्टडी की जाती है और देखा जाता है कि उनको वैवाहिक सुख कैसा प्राप्त होगा। इसमें क्या स्टडी होता है तो सुनिए, दोनों की कुंडली में जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली का देखा जाता है कि सप्तमाधिपति केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है या फिर स्वगृही है, मित्र क्षेत्री है, उच्च का है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर मान लो दोनों की जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति नीच राशि में निर्बल हो, छठवें आठवें बारहवें भाव में पीड़ित हो, पाप ग्रहों से ध्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। मान लो अगर हमको कभी कुंडली देख के ऐसा पता चला कि लड़के की पहली शादी टूट सकती है या फिर लड़की की पहली शादी टूट सकती है तो उसके इलाज भी हम लोग बता देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, लड़के की पहली शादी टूटने का योग हो तो हम लोग कह देते हैं कि उसका अर्की विवाह करके उसकी पहली शादी के दोष को टाल देना चाहिए और फिर उसकी दूसरी शादी में प्रवेश करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मान लो लड़की की कुंडली के अंदर अगर हमारे को नजर आता है कि उसकी पहली शादी टूटने का योग है तो हम सलाह दे देते हैं कि इस लड़की की पहली शादी भगवान विष्णु के साथ करके तोड़ दिया जाए, कुंभ विवाह की विधि करके प्रथम विवाह को टाल दिया जाए और फिर इसकी दूसरी शादी की जाए, ऐसी हम सलाह देते हैं। अभी हम लोग जाएंगे छठवें स्टेप में, तो छठवें स्टेप के अंदर देखा जाता है कि लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव और सप्तमांश कुंडली के अंदर भी पंचम भाव की स्टडी होती है। फिर से कहूंगा, लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव और सप्तमांश कुंडली के अंदर भी पंचम भाव की स्टडी की जाती है, जिसको जिससे हमको पता चलता है कि इन लोगों को बच्चों का सुख कैसा है, संतान सुख कैसा है, बच्चे कितने होंगे और कैसे होंगे। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ लगे तो हम उसका इलाज बता देते हैं। उसके बाद आता है सातवां पॉइंट, लड़का और लड़की दोनों की जन्म कुंडली के अंदर आठवें भाव की स्टडी की जाती है, जिससे हमको पता चलता है कि दोनों का आयुष्य कितना है। अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर अल्प आयु का योग हो तो हम बता देते हैं, किसी की कुंडली में वाहन अकस्मात का योग हो तो हम बता देते हैं, किसी की कुंडली के अंदर असाध्य रोग होने वाला है तो भी हम बता देते हैं, और ये कौन सी महादिशा के अंदर, कौन सी अंतरदिशा के अंदर होगा और उसका इलाज क्या करना चाहिए वो भी हम बता देते हैं। उसके बाद आता है आठवां पॉइंट, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में कितने राजयोग है, इसका भी बड़ा महत्व है। क्यों? मान लो लड़के की पत्रिका में 10 राजयोग है तो, और लड़की की कुंडली में भी 10 राजयोग है तो ये दोनों सुखी होंगे। लेकिन इसके अपोजिट जाते हैं कि लड़की की कुंडली के अंदर 10 राजयोग है और लड़के की कुंडली में एक भी राजयोग नहीं है, बल्कि लड़के की कुंडली के अंदर दुनिया भर के दोष है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, चंडाल योग, श्रापित योग, तो ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए। और लड़की के बाप को हम बोल देते हैं कि अगर ये शादी आपने की तो लड़का पूरी जिंदगी संघर्षों में जिएगा और आपकी बेटी को भी बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से स्टडी होती है। इसके अलावा भी और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग लड़का और लड़की की कुंडली में देखते हैं कि इनका चरित्र कैसा है, शादी के पहले या शादी के बाद उनके लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिजल अफेयर है या नहीं, और है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना, कौन सी बातों का ध्यान देना और कौन से उपाय करना। इस प्रकार से टोटल 8 डीप स्टडी होती है, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित होता है कि कुंडली मिलाप कैसी होती है। कौन से मैंने पॉइंट बोले, कुंडली मिलाप के अलावा मंगल दोष है या नहीं, लग्नाधिपति मिल रहे हैं या नहीं, लड़का लड़की की कुंडली में कारक ग्रह अच्छे हैं कि नहीं, दोनों की कुंडली के अंदर वैवाहिक सुख कैसा है, दोनों की कुंडली के अंदर बच्चों का सुख कैसा है, दोनों की कुंडली में आयुष्य कितना है, उनका चरित्र कैसा है और राजयोग कितने हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।